तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पेपर, ये सेक पेपर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट 2। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट नोटिस जानेंगे, और ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग के सीनियर के लिए है। तो कोई अगर 17-20 या फिर 18-21 में सेशन में कंप्लीट किया हो ग्रेजुएशन, तो उनको बता दीजिएगा कि फॉर्म फिलअप फिर से हो रहा है। ठीक है, एक डेट बढ़ा दिया गया है, 26 अक्टूबर तक होगा, बता देना है बस अगर आपका कोई हो तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा उसी पे आ जाते हैं। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये आपका पार्ट 2 का वीडियो है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर से। और यहाँ जो पेपर है आपका 75 मार्क्स का आएगा, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये जानते हैं आप लोग। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ना, छोटा रहने दें। ठीक है, चलिए जो भी है अच्छा है। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पहला नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। देखिए ये प्रोफेसर गेस्ट पेपर का है, जो लोग नहीं खरीदे हैं खरीद लीजिएगा। ठीक है, 40 रुपया में मिल जाएगा यार, एग्जाम पास करना है भाई, कम एक दो पैसा में मैं सोचिएगा। ठीक है, तो गेस्ट पेपर वगैरह खरीद लीजिएगा, बाकी मैं आपको क्लास करवा दूंगा। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़िए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मैंने बताया था कि जो अंदर जाता हो, इंफॉर्मेशन लेके अंदर जाता हो वो इनपुट हो गया, जो इंफॉर्मेशन लेके बाहर आता वो आउटपुट हो गया। ठीक है, तो देखिए मॉनिटर क्या करता है, तो वो हमें बाहर दिखाता है, जो हम लोग का स्क्रीन होता है वो बाहर दिखाने का काम करता है, तो ये आउटपुट है। प्रिंटर वो तो बाहर निकालता है, ठीक है, प्रिंट करके बाहर निकाल देता है, तो ये भी आउटपुट है। माउस क्या करता है, अगर हम माउस में अंदर में टच कर रहे हैं, देखिए अंदर में हिला रहे हैं, तो ये कंप्यूटर के अंदर में हिल रहा है। ठीक है, कंप्यूटर माउस को हम बाहर में हाथ से छू रहे हैं, तो ये अंदर लेके जा रहा है इन्फॉर्मेशन, ये अंदर लेके जा रहा है, तो ये इनपुट हो गया माउस। स्पीकर साउंड को बाहर करता है, तो ये भी आउटपुट है। मतलब तीनों आउटपुट है, एक वो माउस इनपुट है। ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला है विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले विजुअल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, यानी कि डिस्प्ले के रूप में, सिंपल से बात करें तो डिस्प्ले के रूप में कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो डिस्प्ले मतलब कंप्यूटर का मॉनिटर, जिससे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे है मॉनिटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर। ठीक है, क्लास में हम लोग का मॉनिटर चुना जाता था, और हमको क्लास में मॉनिटर चुना जाता था, तो हम बोलते यार हम नहीं रहेंगे, मॉनिटर बनेंगे तो किसी से न किसी से दुश्मनी हो जाएगा, इसलिए हम मॉनिटर ही नहीं खड़ा होंगे। ठीक है, चलिए, और मैं मॉनिटर वगैरह नहीं बनता था, बस अपना पढ़ाई लिखाई करो, आराम से रहो। चलिए नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वॉलेटाइल, देखिए दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। ठीक है, इसके अलावा एक होता है वॉलेटाइल, एक होता है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी, जो ऐसी मेमोरी को वॉलेटाइल कहते हैं, जो लाइन है, ठीक है यार, फेस दिखा के क्लास होता है, दौर मजा आता ना, चलिए देखते हैं। तो वॉलेटाइल वैसे मेमोरी की कहते हैं जो लाइन कट गया तो उसका डेटा भी खत्म, ठीक है, उसको वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल वैसा मेमोरी होता है जो लाइन कट जाएगा फिर भी वह जो डाटा रहेगा स्टोर रखेगा, उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल कौन है, जिसमें डाटा लाइन रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें डाटा सेफ रहेगा। और वॉलेटाइल में डाटा तभी तक सेफ रहेगा जब तक लाइन है। ठीक है, तो पूछा गया है कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है और अस्थिर मेमोरी है। देखिए रोम जो है, यहाँ पे आपका डाटा सेफ है, यानी कि ये आपका नॉन वॉलेटाइल है। जितना भी अस्थाई मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल, सॉरी नॉन वॉलेटाइल। और जो आपका परमानेंट नहीं है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए रखता है, उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल, मतलब वॉलेटाइल। यार कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग भी, चलिए धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। रोम आपका अस्थाई मेमोरी है, ये आपका नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, हार्ड डिस्क आपका अस्थाई मेमोरी है, ये आपका नॉन वॉलेटाइल है। SSD आपका अस्थाई मेमोरी है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल है। RAM आपका परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी है, यानी कि अस्थाई है। और ये आपका वॉलेटाइल है, यानी लाइन गया
तो इन्फॉर्मेशन भी गया। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। तो पूछा गया है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहाँ गया यार, ये वाला है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है रैम, हम लोग को बोलते हैं ना कि आपके मोबाइल में कितना जीबी का रैम है, हम लोग बोलते हैं यार 8 जीबी का, मेरे लैपटॉप में 8 जीबी का रैम है। ठीक है, तो ये रैम जो है आपका ना अस्थाई है, और हम लोग जो मेमोरी यूज करते हैं कि 128 जीबी है, 256 जीबी है, वो हो गया रोम। ठीक है, समझ गया ना, रैम जो है आपका परमानेंट नहीं है, ये रैम परमानेंट नहीं है, लेकिन जो रोम है, रोम परमानेंट है, और जितना परमानेंट है उसको ही बोला जाता है नॉन वोलाटाइल, और जो टेम्पोररी है ठीक है उसको बोलते हैं वोलाटाइल। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, माउस क्या करता है, इंफॉर्मेशन को अंदर लेके जाता है, यानी कि ये आपका इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, मॉनिटर बाहर दिखाता है हम लोगों को ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा आउटपुट। स्कैनर, स्कैनर में रखते हैं स्कैन करने के लिए, तो कंप्यूटर के अंदर लेके चला जाता है फोटो को, तो ये भी आपका इनपुट है, यानी कि केवल मॉनिटर आपका आउटपुट है, मॉनिटर मतलब कंप्यूटर का डिस्प्ले। ठीक है, जहां से हम लोग देखते हैं चित्र को, तो ये आपका आउटपुट है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन इनपुट डिवाइस, पूछा गया है कि जो इनपुट डिवाइस है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। देखिए, डाटा को अंदर लेके जाता है, देखिए किसमें है डाटा को अंदर लेके जाना, कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करना, यही है। ठीक है, इनपुट मतलब अंदर, और यहाँ पर भी देखने से ही लगता है कि इनपुट, और यहाँ पे देखिए इनपुट, ठीक है, कहाँ गया इनपुट। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाए आउटपुट, तो यहाँ पर भी कोई ना आपको आउटपुट, अगर आउटपुट होता तो ये वाला हो जाता। ठीक है ना, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट मतलब जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर लेके जाना, ये वाला, टू इनपुट डाटा इन टू द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा को अंदर लेके जाना, यहाँ पे इनपुट लिख दिया गया है, इसको लिखिएगा अंदर लेके जाना। ठीक है, अगला है, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर द बायोस, अब देखिए यहाँ पे बायोस का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है, और क्या पूछा गया है कि विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर द बायोस, यानी कि बायोस को जमा करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए बायोस को जमा करना है तो आपको जो है परमानेंट मेमोरी रोम का यूज करना होगा। ठीक है, किसमें, रोम, रोम का फुल फॉर्म, हाँ याद कर लीजिएगा, रीड ओनली मेमोरी। आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे अगर पूछे कि रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैश मेमोरी, इनमें सबसे फास्ट कौन काम करता है, तो कैश मेमोरी सबसे फास्ट काम करेगा। ठीक है, बहुत फास्ट है, महंगा भी है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का मुख्य काम क्या होता है। तो देखिए, जैसा इनपुट का मुख्य काम होता है डेटा को अंदर लेके जाना, आउटपुट का मेन काम होता है जो डेटा है उसको, इंफॉर्मेशन को बाहर लेके आना। ठीक है, आउटपुट मतलब आउट करना, इट इज फिट इज गेट आउट। देखते हैं तो कहाँ पे है, टू इनपुट ये नहीं होगा, टू डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले तो आपका मॉनिटर का काम होता है, टू स्टोर, स्टोर किसका काम होता है, मेमोरी का काम होता है, ये भी नहीं होगा, टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर, ये एक मिनट यार पूरा पढ़ते हैं, टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करना, ये तो इनपुट का काम है, हमें पूछा गया है आउटपुट, संसाधित डेटा परिणाम प्रदर्शित करना या उत्पन्न करना। हाँ, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा भाषा को बदल दिया है कि डिस्प्ले, डिस्प्ले जो है हमारा मॉनिटर, हाँ डिस्प्ले मॉनिटर यहाँ पे सही है, और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो डिस्प्ले करने का काम करता है, यानी कि दिखाने का काम करता है, ये बाहर ही कर रहा है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संसाधित डेटा परिणाम प्रदर्शित करना है, यार इतना टफ हिंदी कह देता है कि जो भी परिणाम है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सूचना को दिखाने का काम करता है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, और ये कौन सा डिवाइस दिखाने का काम करता है, तो कंप्यूटर का मॉनिटर, जिसको डिस्प्ले बोला जाता है। ठीक है,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, इनमें से किसे एक सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दो प्रकार का मेमोरी होता है, एक होता है प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो जैसे आपने सीडी देखा होगा, सीडी के सेट सुने हैं, हिंदी गाना पहले सुनते थे स्कूल, खोटा गाना स्कूल के टेम टेम नागपुरी गाना। ठीक है, चलिए तो ये जो है आपका यहाँ पे दो प्रकार का मेमोरी है, रैम और रोम, ये दोनों आपका प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, रैम और रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी, और कैश भी आपका प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी को कैसे पहचानिएगा, सिंपल सा याद रखिए, जो कंप्यूटर से आसानी से अलग हो जाए। ठीक है, मतलब हम निकाल सकते हैं कंप्यूटर से, जो हार्ड डिस्क है कैसेट की तरह रहता है, उसको कंप्यूटर से सीपीयू से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है, कहीं भी लेके जा सकते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी को, लेकिन प्राइमरी मेमोरी को नहीं ले जा सकते। जैसे मोबाइल में अगर आपका 128 GB का रैम है, सॉरी रोम है, तो उसको निकाल के कहीं ले जाइएगा, नहीं ले जाइएगा, मोबाइल को ही ले जाना होगा। लेकिन अगर मेरे सीपीयू में हार्ड डिस्क लगा है, ठीक है, तो हम उस हार्ड डिस्क को निकाल के कहीं पे ले जा सकते हैं। तो बस ये याद रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी है और हार्ड डिस्क। ठीक है, सीडी कैसेट भी हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा है आपका, क्या बोलेंगे उसको, मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, जिसको हम मोबाइल से अक्सर ट्रांसफर करते हैं यार, चलिए याद आ जाएगा तो बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी आपका एक सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा सेफ रहता है, अस्थाई है, परमानेंट है, लाइन आए या जाए उससे कोई मतलब नहीं, वो वहां पे डेटा सेफ है। अगला है व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर, रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम ROM, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कहाँ है खोजो इसको, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी। इतना आसान बोलिएगा, हाँ आसान है, पढ़ने से सब कुछ आसान है, नहीं तो फिर सब पहाड़ है। क्वेश्चन है हमारा विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू ऑडियो आउटपुट, क्या पूछा गया है कि डिजिटल डेटा को, जैसे ये डेटा है हमारा डिजिटल डेटा है, इसको आउटपुट में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, कैसा आउटपुट, तो ऑडियो के फॉर्म में। ठीक है, तो ऑडियो जैसे हमारा भाषा है, तो लिख देते हैं ना कि विकिपीडिया खोलते हैं और कभी कभी बोलने लगता है, मतलब हिंदी को भी ऐसा बोलते हैं, मतलब हिंदी को भी वो भाषा जो बोलती है, क्या नाम है उसका, एलिसान है क्या नाम है, जो माइक्रोफोन में कभी कभी सर्च मारते हैं गूगल वाला से, तो वहां पे बोलने लगता है ना, तो वो क्या है, स्पीकर है। ठीक है, डिजिटल फॉर्म को हमें ऑडियो के रूप में देता है, तो वो उसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं। कहाँ गया स्पीकर, ये आपका ऑप्शन सी स्पीकर। ठीक है, जहां ऑडियो वहां स्पीकर, और ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैश मेमोरी, देखिए कैश मेमोरी का क्या काम है ये पूछा गया है, कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, मेन पर्पज क्या है, पर्पोज, ज्यादा पर्पज मत दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है, तो देखिए पहला है डेटा को अस्थाई रूप में संग्रहित करने के लिए, दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, तो बार बार एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करके प्रसंस्करण गति बढ़ाने के लिए, यहाँ पे देखिए टू इंक्रीज प्रोसेस स्पीड बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंसी एक्सेस डाटा। तो अभी मैंने क्या किया कि बहुत फास्ट काम करता है कैश मेमोरी, बहुत स्पीड काम करता है, और ये वाला स्पीड वाला ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो इसको मार दीजिएगा ऑप्शन बी, कैश मेमोरी बहुत फास्ट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ The following is an example of an output device. इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को आउट करता है। एक मिनट, यहाँ पे इनपुट पूछा गया है, यार मैं आउटपुट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन पेज को प्रिंट करके आउट करता है, तो ये आउटपुट है, इनपुट नहीं होगा। स्कैनर भी इनपुट है। ठीक है, स्पीकर आवाज को बाहर निकालता है, तो ये आपका आउटपुट हो गया। मॉनिटर डिस्प्ले को दिखाता है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस तो स्कैनर है हमारा, क्योंकि ये जो भी हम डालते हैं फोटो वगैरह, तो वो कंप्यूटर के अंदर लेके चला जाता है। ठीक है ना, और स्कैन करके पीडीएफ बनाता है, तो ये आपका स्कैनर है। ठीक है, इनपुट, बाकी प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है।
आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज टाइपिकली यूज फॉर टेम्पोररी स्टोरेज व्हाइल अ कंप्यूटर इज रनिंग। क्या पूछा गया है कि जब हमारा कंप्यूटर काम करता है तो परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पोररी बेसिस कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है। जैसे कि ये अभी कंप्यूटर चल रहा है मेरा, ठीक है, लैपटॉप चल रहा है, और यहाँ पे डेटा को टेम्पोररी बेस पे कौन रखा है ये पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी बात करें कि टेम्पोररी बेसिस पे मतलब कुछ समय के लिए, तो रैम, ठीक है, रैम जो है आपका टेम्पोररी है कुछ समय के लिए, बाकी रोम परमानेंट रखता है, हार्ड डिस्क को भी परमानेंट स्टोर रखता है और SSD भी परमानेंट स्टोर रखता है, ठीक है। तो रैम आपका कुछ समय के लिए डेटा को भंडार में रखता है, रैम अगर आपका कम रहेगा तो मोबाइल हैंग कर जाएगा, लैपटॉप हैंग कर जाएगा, ठीक है। इसलिए व्यक्ति जैसा भी हो, हाइट हो चाहे छोटा हो चाहे नाटा हो, ठीक है, बस उसका मेमोरी सही होना चाहिए यार, दिमाग सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिमाग सही है तो फिर आदमी का हाइट वेट ये सब मायने नहीं रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच डिवाइस प्रोवाइड हार्ड कॉपी आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, यानी कि कौन सा उपकरण कंप्यूटर से हार्ड कॉपी आउटपुट करता है। देखिए हार्ड कॉपी कौन प्रिंट करके देता है, तो प्रिंटर कहाँ है, प्रिंटर ऑप्शन सी, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट है, माउस ये क्या है इनपुट, यहाँ पे लिख दिया चूहा और इसको हम लोग बोलते हैं मूसा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन डेटा इवन वाइल द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, यानी कि उस मेमोरी का नाम बताना जो कंप्यूटर बंद हो जाए, ठीक है, उसके बाद भी डेटा स्टोर रहेगा। तो रैम में तो कंप्यूटर बंद होगा और डेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है, कैश में भी खत्म हो जाएगा, रोम, रोम आपका परमानेंट है भाई, ठीक है, और रोम में आपका डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रोम आपका परमानेंट डेटा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसका मेन काम क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए डेटा को प्रोसेस करना कहाँ पे, डेटा को प्रोसेस करना स्टोर, प्रोसेस, देखिए ये प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हो सकता है कि प्रोसेस डेटा, ठीक है, जहां पर भी आपको प्रोसेसर का बात करें, प्रोसेस करने का काम, ठीक है, प्रोसेसर करता है, और यह मेन काम होता है सीपीयू का, ठीक है, टू प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी आपको निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है, उसको पूरा करना, ठीक है, प्रोसेसर का काम होता है, ऑप्शन सी। देखिए कंप्यूटर में बहुत सारे वर्ड वैसे हैं आपको जो कि केवल वर्ड मैच करिएगा ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, केवल वर्ड मैच करने से, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइमरी मेमोरी इनमें से कौन सा है, तो देखिए रैम आपका प्राइमरी मेमोरी है, अगर यहाँ पे रोम भी ऑप्शन में होता तो रोम भी आपका प्राइमरी होता, ठीक है, रैम रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी किसको बोलेंगे, सिंपल सा याद रखिए, जो डेटा को जो कंप्यूटर के अंदर में है उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो आपका रैम आपका प्राइमरी मेमोरी है, बाकी हार्ड डिस्क को हम बाहर निकाल सकते हैं, सीडी जो हम लोग गाना चलाते थे ना, सीडी रील भी निकालते थे रील, ठीक है, तो वो भी आपका बाहर निकाल सकते हैं, तो ये भी आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब बाहर निकालना, ठीक है। यूएसबी जो हम लोग लगाते हैं, यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये भी आपका बाहर निकाल सकते हैं कंप्यूटर से, कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है, तो ये सभी आपका सेकेंडरी है, बाकी रैम और रोम दोनों आपका प्राइमरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले सीडी कैसे डालता था, डीवीडी लगाते थे और रात को फिल्म देखते थे पूरा, एक डिस्क दो डिस्क, फिर कैसेट तो घिस घिस के चलता था, चिक चक करने लगता था, ठीक है, और उस टाइम का मजा ही कुछ और था। मोबाइल आके दुनिया थोड़ा बदला है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ बदल गया ना, आजकल घर में टीवी नहीं मिलता है, अगर टीवी भी अभी भी जब टीवी आ जाए ना तो देखिएगा धीरे धीरे आदमी मोबाइल छोड़ देगा, मोबाइल बहुत स्ट्रेस का काम है यार, मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है, और एक अजीब बहुत देर मोबाइल चलाने के बाद आपको भी गैलसी फील होने लगेगा यार, फालतू में टाइम तो बर्बाद हो गया, ठीक है। मुझे तो ऐसा फील होता है कि जिस दिन मैंने आधा घंटा शॉर्ट्स देख लिया मुझे बहुत रिग्रेट फील होता है कि साला टाइम बर्बाद कर दिया आधा घंटा। चलिए जो भी है, क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो पूछा गया है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मुख्य
यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता क्या है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है इसका मुख्य विशेषता है कि लाइन कट जाए उसके बाद भी डेटा को स्टोर रखेगा, ठीक है। मतलब लाइन कट गया फिर भी इसमें डेटा स्टोर है, सेफ है। देखिए कहाँ पे है, बिजली बंद होने पर डेटा खो देता है? नहीं भाई, नहीं खोता है। बिजली बंद होने पर भी यह डेटा को बरकरार रखता है, ये इसका मेन कैरेक्टर है, ठीक है, ऑप्शन बी। और ये सब मैंने पढ़ा था जब सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा था। बाकी झारखंड सीजीएल का क्या बताएं यार, बहुत गंदा है। 2 साल मेहनत किया, ठीक है, ईमानदारी से, लेकिन वही सब फिर चोर चिल्लर लग गया कि घूस चल तो ये चल तो ना ही चल तो। झारखंड का एग्जाम का तैयारी करना भी एक तरह से पाप है, मतलब टाइम वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत माफिया लोग है, नहीं होने देगा, पेपर लीक हो जाता है बार बार। चलिए जो भी है, क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट इन टू अ कंप्यूटर, ठीक है। क्या पूछा गया है कि विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट द टेक्स्ट इन टू अ कंप्यूटर। जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट मतलब ए बी सी डी जितना है, 1 2 3 4, ये सभी आपका टेक्स्ट है, ठीक है। ए बी सी डी 1 2 3 जितना भी वर्ड है ना, इन सब वर्ड्स को हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं। इसको अंदर ले जाने का कौन कौन करता है, तो हम लोग टाइप किससे करते हैं, टाइप जो है टेक्स्ट को टाइप किससे करते हैं, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड लेके जाता है, तो कहाँ गया कीबोर्ड, ये वाला कीबोर्ड जो है ना हमारा, उसमें कितने फंक्शन के होते हैं, 12 को फंक्शन के होता है। देखिएगा कीबोर्ड का जो सबसे ऊपरा बटन है, सबसे फर्स्ट लेयर वाला, वहां पे F1 F2 F3 F4 F5 F6 करके F12 तक लिखा होगा, ठीक है, उसको फंक्शन के बोलते हैं। 12 को फंक्शन के होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर द टेम्पोररी स्टोरेज, ठीक है, ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। क्या पूछा गया है कि जब हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, जब हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं उस टाइम पे डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है, मतलब परमानेंट स्टोर नहीं करेंगे भाई, कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए केवल रैम स्टोर करेगा, ठीक है, परमानेंट स्टोर नहीं करेंगे, केवल शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करेंगे। और शॉर्ट टाइम के लिए रैम स्टोर करता है, रोम परमानेंट करता है, हार्ड डिस्क भी परमानेंट करता है, मतलब जो है ये शॉर्ट टाइम मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है, शॉर्ट टाइम वो वाला जो कॉलेज वाला लाइफ रहता है, और आफ्टर मैरिज ये आपका परमानेंट हो गया। तो रोम परमानेंट करता है, हार्ड डिस्क भी परमानेंट करता है, लेकिन ये जो है आपका बस जी एफ एंड पी एफ करके रह जाता है रैम, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, परमानेंट हम आपसे इंगेज नहीं होंगे, रैम बोलता है, ठीक है। तो ये बस काम चलाने के लिए है रैम, मतलब ऐसा आप रियल लाइफ में मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाएगा, समझाने के लिए बस बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो देखिए आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है, माउस इनपुट डिवाइस है, डेटा को अंदर लेके जाता है, कीबोर्ड भी टेक्स्ट को अंदर लेके जाता है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रिंट करके हमें देता है, ठीक है, तो ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। बाकी माइक्रोफोन इनपुट है, जैसे हम कंप्यूटर मोबाइल में दबाते हैं माइक्रोफोन डोर, बोलते हैं भारत की राजधानी कहाँ है, तो बोलता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, 1912 में बनाया गया था, इससे पहले कोलकाता हुआ करता था, वो जो बोलते हैं ना, तो वो आपका इंफॉर्मेशन को अंदर लेके गया, ठीक है, तो ये आपका इनपुट है। बाकी प्रिंटर केवल यहाँ पे अकेला आउटपुट है, ठीक है। विकिपीडिया नहीं, विकिपीडिया खुल जाता है। नेक्स्ट है आपका क्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर। देखिए हमारा जो हार्ड डिस्क है वो क्या काम करता है कंप्यूटर में, ये चीज पूछा गया है, ठीक है। हार्ड डिस्क एक कैसेट के समान होता है, इंटरनेट पर सर्च मार के देखिएगा कि इमेज ऑफ हार्ड डिस्क तो आ जाएगा, ठीक है, कैसेट के समान होता है, और ये आपका एक मेमोरी डिवाइस है, ठीक है, परमानेंटली स्टोर रखता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हार्ड डिस्क क्या करता है, परमानेंट स्टोर करता है भाई, परमानेंट मतलब डायरेक्ट मैरिज करेगा, ठीक है, ये आपका शॉर्ट टाइम के लिए नहीं इंगेज रहेगा। तो देखिए हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है, यानी कि टू प्रोसेस डेटा नहीं, प्रोसेस करने का काम तो सीपीयू का है, टू इनपुट डेटा नहीं, इनपुट करने का काम तो इनपुट डिवाइस का है, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म की बात करेगा स्टोरेज ऑफ डाटा, ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म में स्टोर करता है, बिल्कुल यही वाला हो जाएगा, ठीक है, कि ये परमानेंटली आपके साथ इंगेज हो जाएगा, शॉर्ट टर्म वाला काम नहीं देता लाइफ में, धोखा खा जाइएगा, ठीक है।
इसलिए इन सब से बच के रहिएगा, टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा बहुत। चलिए अगला है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज प्राइमरली यूज फॉर बूटिंग अ कंप्यूटर। देखिए बूटिंग किसको बोलते हैं, जब हम लोग कंप्यूटर में ऑन करते हैं सीपीयू पहले। क्या हुआ यार, एक मिनट देख लेते हैं कौन हल्ला कर रहा अचानक से। चलिए शुरू करते हैं अब। तो कुछ बाइक वगैरह बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा था, सोलह पकड़े नहीं, नहीं तो पीट वो करते हैं उसको। और देखिए बाइक वगैरह ना लिमिट स्पीड में चलाइए तो शोभा देता है भाई। गांव घर में या फिर स्पीड भीड़ भाड़ का इलाका में फास्ट वगैरह बाइक मत चलाइए, बिलो 20 चलाइए, सेफ है ठीक है। गर्ल्स लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज गर्ल्स लोग आपको छपरी ही समझेगा। स्पीड चलाइए ना आप हाईवे में, ठीक है, एनएच पे चलाइए, नेशनल हाईवे पे एकदम 145 पार कर दीजिए ना ऊपर, एकदम सीधा ऊपर ही उड़ जाइए। लेकिन गांव घर पे धीरे चलाइए ठीक है, क्योंकि जान बचे तो लाखों पाए, नहीं तो बहुत मार खाइएगा। चलिए जिनके पास बाइक है उनके लिए बोल रहा हूँ, और नहीं है उन लोग समझ जाइएगा कि क्या पूछा गया है, कि विच टाइप ऑफ मेमोरी इज प्राइमरली यूज फॉर बूटिंग अ कंप्यूटर। ठीक है, जब हम लोग कंप्यूटर को बूट करते हैं, बूट मतलब कंप्यूटर ऑन होता है, जैसे स्विच ऑन किए उसके बाद जो सीपीयू का बटन दबाते हैं पावर वाला बटन, जिससे लाइट जलना शुरू हो जाता है, या फिर लैपटॉप में जो बटन दबाते हैं साइड वाला जिससे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है लैपटॉप ऑन होता है, तो इसी को बूटिंग कहते हैं। मतलब कंप्यूटर को ऑन होने की प्रक्रिया को, कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर को ऑन होने के लिए, योर माइट वेंट टू प्लग इन योर पीसी। अरे यार चार्ज खत्म हो गया बाबा, एक मिनट तुरंत करते हैं, तुरंत तुरंत ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये ऑन है वाईफाई, इसको ऑफ कर देते हैं ठीक है। और थोड़ा सा साउंड दे सकता है आपको, चार्ज हो रहा है यहाँ पे आपका शो करेगा ठीक है, 10% बैटरी है। चलिए तो ये पूछा गया है कि जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं यानी कि बूट करते हैं, तो हमारा कौन सा मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर को बूट करने यानी कि ऑन करने के लिए मुख्य रूप से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा रोम काम करता है। कौन? रोम, ठीक है, रैंडम सॉरी रीड ऑनली मेमोरी काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है विच डिवाइस कैप्चर वीडियो इनपुट। तो कौन सा डिवाइस है जो हम लोग का वीडियो इनपुट करने का काम करता है, तो सिंपल सा बात है कैमरा। ठीक है, कैमरा, कैमरा कौन है, तो कैमरा यहाँ पे नहीं है, कैमरा को ही एक प्रकार है वेब कैम। ठीक है, नाम से भी आप सुन सकते हैं कैम, वेब कैम, ठीक है कैमरा टाइप से रहता है, और ये आपका ऑप्शन सी है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ ALU। देखिए मैंने अगर फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं देखे तो देख लीजिए। ALU का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट विथ इन द CPU। तो क्या पूछा गया है कि वॉट इज द रोल ऑफ द ALU विथ इन द CPU, यानी कि CPU में जो हमारा ALU होता है इसका काम क्या होता है। इसका नाम अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि अंक गणितीय तार्किक शक्ति इसके पास है मैथ का काम करने के लिए। ठीक है, और ये CPU का एक भाग है। ठीक है, CPU का तीन भाग है, जिसमें से एक भाग ALU है, एक भाग कंट्रोल यूनिट है, और एक भाग है आपका मेमोरी। ठीक है, CPU का तीन गो बेटा है, मेमोरी, ALU और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है आपका सबको कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल कंट्रोल मजनू कंट्रोल, वो कंट्रोल यूनिट का काम है। ALU का काम मैथ का काम है, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट करने का, और मेमोरी का काम स्टोर करने का काम है, डेटा को वो स्टोर रखता है। ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा हुआ है, डेटा को संग्रहित करना, नहीं ये मेमोरी का काम है, संचालन को नियंत्रित करना, ये कंट्रोल यूनिट का काम है, अंक गणितीय और तार्किक संचालन। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल काम करता है, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। देखिए यहाँ पे है आपका एरिथमेटिक, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए पढ़ाई ना एक बात है, जल्दीबाजी में मत कीजिएगा यार, आराम से करो, कोई इत्मीनान थोड़ी हो फिर गाड़ी छूट रहा है। ठीक है, आराम से कीजिए, कहाँ जाइएगा, पढ़ना ही तो है, मेन उद्देश्य तो अभी आपका पढ़ना ही है ना।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसडी, ठीक है, कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव। देखिए पहले हम लोग का हार्ड ड्राइव होता था और अभी एसएसडी आ रहा है। ये जो मेरा कंप्यूटर है इसमें एसएसडी लगा हुआ है, 556 GB का एसएसडी है, ठीक है, 128 उसका दुगना होता है, कितना 256, तो एक मिनट यार कितना है 500 कितना है, ठीक है। तो ये आपका एसएसडी अब आ रहा है मेमोरी की जगह पे, पहले हार्ड ड्राइव आता था अब एसएसडी आ रहा है, इसका मेन काम क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये आपका पारंपरिक हार्ड ड्राइव की तुलना में एसएसडी की विशेषता क्या है, तो एसएसडी जो है ना हमारा एसएसडी यह क्या बोल सकते हैं कि मतलब ज्यादा मूव नहीं करता है, ठीक है। देखिए हाई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी तो इसमें है ही है लेकिन ये मेन विशेषता नहीं है। स्लो डाटा एक्सेस ना यार, बहुत स्पीड से काम करता है, ठीक है। नो मूविंग पार्ट्स, ये जो पार्ट्स है इसका मूव नहीं करता है, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव में पहले क्या होता था कि मूव करता था इसका पार्ट्स वगैरह, लेकिन इसका कोई भी पार्ट्स मूव नहीं करता है एसएसडी का, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए बहुत सारा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ये स्लो नहीं होगा, स्पीड एसएसडी बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। तो एसएसडी फास्ट काम करता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी होता है इसमें, ठीक है। मोर पावर कंज्यूम, बिजली खपत कम करता है, ठीक है, बिजली ज्यादा खपत नहीं करता एसएसडी, कम खपत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नो मूविंग पार्ट्स, ठीक है, एसएसडी। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज कैश मेमोरी, पूछा गया इनमें से कौन सा एक कैश मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है। तो कैश जो है हमारा टेम्पोररी बेसिस मेमोरी है, टेम्पोररी बेसिस मेमोरी है, जैसा हमारा रोम है, सॉरी जैसा हमारा रैम है, उसी तरह से हमारा कैश मेमोरी भी टेम्पोररी बेसिस है, ठीक है, मतलब काम चलाने के लिए ये यूज करेगा। तो देखिए कहाँ गया, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज कैश मेमोरी, टेम्पोररी बेसिस कहाँ पे है, तो ये देखिए अस्थिर मेमोरी है कैश मेमोरी, लेकिन बहुत फास्ट काम करेगा, ठीक है। वोलाटाइल मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, वोलाटाइल का दूसरा नाम है टेम्पोररी, ठीक है, और नॉन वोलाटाइल का दूसरा नाम है परमानेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला हमारा है Which device is used to input device into a computer? देखिए input device इनमें से कौन सा है ये पूछा गया है, ठीक है। Input device तो monitor, output device है, data को बाहर दिखाता है, ठीक है। और microphone input device है, हमारे जो भी बात को बोलते हैं अंदर लेके जाता है, ठीक है। Next speaker sound को बाहर निकालता है तो output है। Printer हार्ड कॉपी प्राप्त करता है, यानी कि ये भी आपका आउटपुट है, ऑप्शन बीस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आपका यूनिट 3 का पार्ट है, इसको कल करेंगे, ठीक है। बाकी सब का फुल फॉर्म वगैरह याद रखिएगा, एसएसडी का फुल फॉर्म नहीं बताया ना, एसएसडी का फुल फॉर्म होता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, और ये आपका एक फास्ट मेमोरी है जिसके पार्ट्स वगैरह मूव नहीं करते हैं, हिलते नहीं है ज्यादा, ठीक है। चलिए बस इतना ही आज, कल करेंगे थर्ड, और धीरे धीरे करके मैं आपका एसी का दे दिया, एसी इंग्लिश का भी दे दूंगा, हिंदी का दे दिया है, और ह्यूमन राइट्स वाला दे दिया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग गेस्ट पेपर वगैरह खरीद लीजिएगा, और देखिए रात को जब ना सोते हैं ना तो शॉर्ट्स देखते देखते मत सोइएगा, ठीक है, क्या देखते देखते सोइएगा, किताब को पढ़ते पढ़ते सो जाइए, कॉपी किताब इधर फेंका जाएगा और आप कब नींदा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो रात को सोते टाइम, ठीक है, किताब का हैबिट बनाइए, ठीक है, किताब पढ़ते पढ़ते सोइए, भले ही 10 मिनट पढ़िएगा तो अपने आप को नींद आ जाएगा, शॉर्ट्स वगैरह देख के दिमाग खराब मत कीजिएगा। चलिए यही आज कल बोलना चाहेंगे और क्या बोलेंगे, ठीक है, बाकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ तो दिया ही जाता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, डेली कम से कम 3 घंटा पढ़ाई कीजिए दोस्त, नहीं तो फिर एग्जाम में भाई होगा तब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके बाय, गुड नाइट।